हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कल हमने एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी जिसमें रैंक आईक्यू के प्रेडिक्शन के बारे में बताया था कि उसके हिसाब से यूपीएसआई की कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है ना। तो कई कल बच्चों के मैसेज आए कि सर, रैंक आईक्यू की जो प्रेडिक्शन है, जो आपने बताया कि 120 के आसपास जो है वो रैंक आईक्यू क्वेश्चंस जो है वो मान रही है कि इतने क्वेश्चंस अगर आपके सही निकलते हैं तो आप यूपीएसआई में बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे, है ना। और यही मैंने आपको बताया था। इसमें कई बच्चों के या कई स्टूडेंट के मैसेजेस भी आए कि सर, रैंक आईक्यू की जो प्रेडिक्शन है वो 105 से 120 क्वेश्चंस तक जो है वो माना है ना। बेसिकली देखा जाए, अगर आप रैंक आईक्यू वाली जो पीडीएफ देखेंगे, उसमें कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ जो है वो बताई गई है। मैंने जो कल आपको बताई थी वो ओवरऑल यानी कि एवरेज करके जो है वो मैंने आपको बताई थी। मैंने ये तो बोला ही नहीं था कल, और कल भी मैंने आप लोगों से ये बोला था कि अगर आपके 100, 105, 110, 107 इतने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं तो आप लोग जो है वो जरूर से रनिंग की तैयारी करें यूपीएसआई की। और कल ही मैंने आपसे बोला था कि अगर आप सही कट ऑफ जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने खुद ने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, तो अगर आप कल आज ही जाकर के चेक कर लोगे कट ऑफ बाय इंडियन स्टडी, तो आपको दो वीडियो मिल जाएंगी। तो एक वीडियो आंसर की आने के बाद मैंने अपलोड की थी और एक उससे पहले, तो दोनों देख लोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो वहाँ से आपको एक प्रॉपर कट ऑफ मिल जाएगी। अगर आप बात करें रैंक आईक्यू के बारे में, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कल ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके 105, 107, 110 क्वेश्चन सही निकलते हैं तो आप जो है वो रनिंग करने जा सकते हैं। अब कई कल बच्चे कह रहे हैं कि सर, 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट के नंबर जो है वो लगभग 115 से या 120 के आसपास जा रहे हैं, और बाकी के आप बोल रहे हैं कि 7.5 लाख और लोग आएंगे तो इससे कट ऑफ जो है वो और बढ़ेगी, है ना। तो बिल्कुल आप लोगों की बात सही है। ये नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी तो डिपेंड करता है कि हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस या कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट जो है वो थोड़ी सी ईजी थी। तो ये डिपेंड नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी करता है, और भर्ती बोर्ड नॉर्मलाइजेशन करेगा और किसको किस कितने नंबर किस शिफ्ट में दिए जाएंगे, तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है ना। अगर आप केवल और केवल रैंक आईक्यू पे विश्वास कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा गलत है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक मैं आपसे ये भी बोलूँगा कि आप लोगों के जितने नंबर मैंने आपको बताया कट ऑफ के हिसाब से, उतने अगर आ रहे हैं तो आप जरूर से आप रनिंग करने जाइए, है ना। बिल्कुल भी आप इस बात पे नहीं रहिएगा कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। अगर आपके 105, 107, 110, 115 या 120 अगर सही हैं, तो फिर तो ऑब्वियस की बात है कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप रनिंग पे विशेष तौर पर ध्यान दें, है ना। आप रैंक आईक्यू के कट ऑफ को सही मान करके अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि मैंने आपको कल एक बताया था टर्म्स, कहीं 30,000 बच्चे तो कहीं बोल रहे थे कि सर, आपने 27,000 बच्चे बोले तो 30,000 बच्चों का डाटा उसमें अपलोडेड है। 30,000, 27,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कहाँ 7.5 लाख और कहाँ 50,000 भी मान लो, है ना। तो ये कहाँ 7.5 लाख और 50,000, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है ना। और नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा, और नॉर्मलाइजेशन में किसको कितने नंबर दिए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तब इस बात को आप रियलाइज करेंगे, है ना। तो आप लोग जो कमेंट में बोल रहे हैं, मैंने हर एक के कमेंट पढ़ लिए, ठीक है, और आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसके भी मैंने आंसर दे दिए। मैं आपसे यही बोलूँगा कि जो रनिंग कर रहा है वो बिल्कुल फ़ायदे में रहेगा एंड तक। ये चीज़ आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगी, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो इस चीज़ को आप खुद ब खुद रियलाइज़ कर सकते हैं, समझ गए। तो यही फिलहाल की इस वीडियो में मैंने आपको बताना था, और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी, यूपी प्लस कॉन्स्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, ऐसे एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से आकर के जरूर से चेक कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसे नहीं देने। तो दिए गए लिंक से आप जरूर से हमारी क्लास तक पहुँचिएगा, निश्चित रूप से आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।